मांग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे। चलिए फिर हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स और टॉपिक है टेबल। आज हमने प्यारे बच्चों पिछले लेक्चर में हमने जीरो और वन का टेबल लर्न किया था। आज हमने अपना टू का टेबल जो है उसे लर्न भी करना है, लिखना दिया है। तो चलिए फिर आपकी बुक से स्टार्ट करते हैं। आज का पेज है 13 एंड 14, टू पेजेस हैं। तो दोनों में हमने कॉन्सेप्ट को सीखना है, फिर उसे कॉन्सेप्ट अपनी बुक के ऊपर लिखना भी है। तो चले फिर आज हमारा कॉन्सेप्ट है राइट एंड लेफ्ट। प्यारे बच्चों, जो आपका दायां हाथ है ये आपका राइट हैंड है, और ये जो बायां है ये आपका लेफ्ट हैंड है। ठीक है प्यारे बच्चों, राइट लेफ्ट। तो चले फिर अपनी बुक से देखते हैं। द मून इज इन पिक्चर को एक्सप्लेन करें थी, मैंने बोर्ड पे ये पिक्चर्स को ड्रा किया है। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द मून इज टू द राइट ऑफ द सन, द स्टार इज द लेफ्ट ऑफ द सन। तो कह रहे हैं स्टार जो है ना सन के राइट है, जबकि मून सन के लेफ्ट है। राइट जो कह रहे हैं जो दाया हाथ और लेफ्ट ये वाला, ये देखिए राइट क्या है, सूरज के राइट क्या है, सन के राइट पे स्टार है, और ये लेफ्ट है ये वाला हैंड जो ये लेफ्ट है, तो ये सन के मून क्या है, लेफ्ट है। चले फिर अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 15, राइट द आर फॉर द वन दैट इज ऑन द राइट, राइट एल फॉर द वन दैट इज ऑन द लेफ्ट, वन इज डन फॉर यू। यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है आपके लिए एक, इनको अच्छे से समझने के लिए, ये क्या है एप्पल, बॉल और फ्रॉग। अब बताएं जो एप्पल है वो बॉल के क्या है, लेफ्ट है, क्या करे बच्चो लेफ्ट है, और जबकि फ्रॉग क्या है वो राइट साइड पे है। इसी तरह अब हमने यहाँ पे जो ये जो आपको सर्कल नजर आ रही है इनके अंदर लेफ्ट एंड राइट को लिखना है। ये क्या नजर आ रही है, हनी बी, ये क्या है सन, और ये बटरफ्लाई। सन जो हनी बी है वो सन की क्या है लेफ्ट, और जो बटला है वो है राइट। यहाँ पे आप आर लिखेंगे, यहाँ पे एल। उसी तरह ही ये क्या नजर आ रहा है, फ्लावर, फिश एंड डक। जो फिश है फ्लावर की क्या है लेफ्ट, यहाँ पे आपके लिखेंगे एल, जबकि डक जो है वो फ्लावर के राइट साइड पे है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे आर। ये क्या है क्रैब, बॉक्स एंड, तो यहाँ पे क्रैब के हम जो बॉक्स के लेफ्ट साइड पे क्या है क्रैब, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एल, एंड क्या है राइट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आर। नेक्स्ट है बेबी है, बास्केट है और रैबिट है, तो ये देखिए जो बेबी है बास्केट क्या है लेफ्ट साइड पे, जबकि रैबिट क्या है राइट साइड पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आर और यहाँ पे क्या लिखेंगे एल। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आती होगी। चले चले फिर अब हम अपनी नोटबुक की तरफ चलते हैं। आज हमें कौन सा टेबल करना है, टेबल ऑफ टू, हमने टू का टेबल लर्न करना है। चले फिर इनको इसको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना भी है और इसे लर्न भी करना है। आपने हर डिजिट को अलग अलग बॉक्स में लिखना है, जिस तरह मैंने लिखना वैसे ही हर एक ब्लॉक को एक ब्लॉक छोड़ के और हर एक अलग अलग बॉक्स में आपको लिखना है। शुरू करते हैं, टू टू वन जार टू, टू को वन से मल्टीप्लाई करना है, तो वही सेम डिजिट आया, वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम डिजिट आया।
क्या है?